आप सभी की शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर प्राइमरी और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो विविध के सामान्य अध्ययन की सीरीज में आज हम लोग भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत के राज्य, राज्यपाल और विधानमंडल। एक ऐसा टॉपिक है जो प्राय के भर्ती परीक्षा में यहाँ से सीधे या हूबहू प्रश्न आते हैं। अगर आपको वास्तव में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास आपके जीवन की एक यादगार क्लास होगी। और ये निशुल्क क्लास आपको देशित राशित में 9:30 बजे प्रतिदिन ई लर्निंग पे दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर दोनों पर निशुल्क लाइव मिलती है। अगर आप भविष्य में एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ हर एक की पॉइंट लिखते चलिएगा। आपकी एक बेहतर संविधान की नोट्स भी तैयार होगी, जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे हूबहू पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के अब हमें अपनी क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर, पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि पिछले, जी हाँ, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, एकदम राइट आंसर है 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब जम्मू कश्मीर जो है वो क्या है, एक राज्य नहीं है, वह क्या है, अब वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। और एक नहीं बल्कि दो केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहेंगे सर दो कैसे, आइए इस बारे में भी हम लोग जानते हैं। एक लद्दाख हुआ और दूसरा जम्मू हुआ। इसलिए आप सभी साथियों को इस प्रश्न का उत्तर पता हो गया है कि इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अब उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख घोषित कर दिया गया, हमारे 370 हटा दिया गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या अभी तक जो भी साथी मित्र लाइव बने हुए हैं, तो जल्दी से फटाफट सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मेरे यहाँ तैयार हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी फटाफट कमेंट, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जैसे वीडियो में जुड़िएगा आप सभी लोग, पहले लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप तथ्य को शेयर करते हैं लोगों तक तो पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हम सभी को जो भी साथी लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हैं उन सभी तक आप अपनी महत्वपूर्ण बातें पहुंचा पाते हैं। यकीनन ये सिलेक्शन के लिए वीडियो है और आप यहाँ से सिलेक्शन के और करीब और नज़दीक पहुँचेंगे। चलिए बताइए फटाफट कॉमेंट करके, अगर आप लाइव देख रहे हैं भैया कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। जी, आप लोग तो प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। चलिए, अगर आप प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? हमने देखा इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा 350 होगा। क्या होगा? 350 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योंकि सर 350 से कैसे हुआ, आइए इसके बारे में बात करते हैं। भारत संविधान अनुच्छेद 301 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य उसके भीतर प्रत्येक प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालक और बालिका को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने की पूरी तरह पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो क्या होगा? सी, राइट, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बिना देरी किए अब हम सभी को अगले क्लास की तरफ बढ़ना चाहिए, और अगले क्लास की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। चलिए सभी साथी ध्यान दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोर्ड पर दिख रहा है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार की सभी फटाफट कमेंट करके बताएं कि किस राज्य में विधान सदस्य सबसे ज्यादा है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जो भी कमेंट कर दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी हैं वो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, और आप ही नहीं देंगे बल्कि लोगों को संतुष्ट भी करेंगे। क्यों और कैसे सही है ये आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों सही है और कैसे सही है बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। चलिए आइए दोबारा इसको हम लोग मंथन करते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश होगा, आपको पता है उत्तर प्रदेश में
विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। विधान सदस्यों की संख्या 403 है। कितना है? 403 है। एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, 403 प्लस एक, लेकिन इसे 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारती को हटा दिया गया। इस प्रकार सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर देखा जाए तो विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो कितने ऐसे साथी थे जिनको यह बात समझ में आ गया। अब इसे आगे बढ़ा जाने का जो प्रावधान था अब उसे लगभग समाप्त कर दिया गया है। यहां पर राज्यपाल मनोनीत करता था एक लोगों को। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार की जरा कमेंट करके बताएं कि कितने लोग को यह समझ में आ गया, कितने ऐसे साथी हैं जिनको यह आज का प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। आपका उद्देश्य क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में यह प्रावधान करता है किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। याद रखिएगा, किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित किस राज्य का यह अपवाद है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करने के बाद एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं कहीं ना कहीं आप उन सभी साथी मित्रों तक इस मेहनत का फल पहुंचा देते हैं। यकीन मानिए, अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोर है, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और साथ ही साथ जीवन के लिए यादगार भी होगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी साथी पहला काम वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए और सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आगे भी पढ़ने और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम होगा। देखिए, सिक्किम राज्य की जो विधानसभा है यहाँ पर 32 सदस्य है। कितनी? 32 सदस्य है। संविधान का अनुच्छेद यहाँ प्रावधान किया गया है कि शेष सभी राज्य त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की, जैसे मेघालय में कितने हैं? 60 सदस्य, मणिपुर में 60, त्रिपुरा में 60, लेकिन जो इसमें कम है वह अगर कम पूछेगा तो सिक्किम में है। यह बात आप लोग को अच्छी तरह से जानना चाहिए और यह बात अच्छी तरह से सबको समझना भी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे क्या किया है, अच्छी तरह से समझ लिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित किसमें विधानसभा नहीं है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग फटाफट जरा कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से कहां पर विधानसभा नहीं है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी, जो लोग भी जुड़े हैं, जो लोग भविष्य में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, पुदुचेरी में भी विधानसभा है, ठीक है? पुदुचेरी में क्या है? विधानसभा। दिल्ली में भी विधानसभा, गोवा में भी विधानसभा, ये दोनों केंद्रशासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, माने डी वालों का राइट आंसर है। क्योंकि अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजो रहे हैं तो यह जो क्लास आपके लिए काफी मददगार होगी, चाहे यूपीटेट की बात करें, सीटेट की बात करें, शिक्षक भर्ती की परीक्षा की बात करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। डी इसका होगा लक्षद्वीप, यहां पर विधानसभा नहीं है, यहां पर विधानसभा नहीं है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, भविष्य में ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, माने केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा और ध्यान रहे, अन्य किसी भी जानकारी के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, नोट्स, क्लास, कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से शुरू, अपने मोबाइल में टाइमिंग लगा लेंगे। अगर आपको भविष्य में सरकारी शिक्षक बनना है तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक साथी का, ऐसे लगे रहिएगा। कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, लक्षद्वीप। लेकिन अरुणाचल प्रदेश क्या है? एक राज्य है। क्या है? एक, अगर हम इसको मैप में देखें, अगर हम लोग इसे मैप में देखेंगे, माना हमारा भारत है, ठीक है, माना काम चलो भारत है, इसमें संसदीय प्रदेश कहाँ है? तो यहां पर ये देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है, ये बेल्ट, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है? एक भारत का राज्य है। इसलिए यहां पर जो दिया गया प्रश्न है, उस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प अगर आपको पूछे तो क्या होगा, वह यहां पर ए होगा कि अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि एक राज्य है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग यार क्या, आप लोग संख्या बढ़ाइए यार, आप लोग कम हो गई संख्या। आपको केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन ऐसा राज्य दिया गया विकल्प है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो भी मेरे प्यारे शिक्षक साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बहुत 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 धन्यवाद सभी का। फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कौन सा संघ शासित नहीं है? देखिए, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, मिजोरम नहीं है, मिजोरम नहीं है, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए बताइए। अब यहां पे आपको बताइएगा मिजोरम की राजधानी क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम का राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अभी अगर देखेंगे तो जो दादरा नगर हवेली और तथा दमन द्वीप को 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश को दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप को आपस में विलय कर दिया गया, शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। जी, आप लोगों ने एकदम सही बताया, मिजोरम की राजधानी आइजोल इज राइट आंसर है। हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न आपके सामने है, उस राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर निर्वाचित विधानसभा है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के फटाफट, जी हाँ प्यारे शिक्षक साथियों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि उस राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी लोग देखिए, अगर निर्वाचित सदस्य हो और मंत्रिपरिषद हो तो याद रखिएगा, एक तो हो गया पांडिचेरी जिसका नाम पुदुचेरी है, और दूसरा आपका दिल्ली है। विधान बात किया जाए, विधानसभा सदस्य की अगर बात की जाए तो यहां पर 30 है और यहां पर 70 है। यह काफी महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिया, इसलिए यह आप लोग एकदम रट लीजिएगा, एकदम पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आप सभी को सरकारी नौकरी करनी है। भले वीडियो को शेयर मत करिए, लेकिन हर एक टॉपिक को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी जे राइट आंसर हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कौन सा संघ शासित क्षेत्र नहीं है, एकदम हलवा प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। 3 है और 1 नहीं है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। इसीलिए कहता हूं, नोटिफिकेशन में इंतजार मत करिए, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिए बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िए, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश जहां तक जुड़ सकते हैं, इसके बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। प्रतिदिन रात 9:30 बजे अन्य सभी क्लास की लिंक आपको मिलेगी, सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम फेसबुक पेज हर जगह। देखिए, चंडीगढ़ राज्य है, त्रिपुरा राज्य है, लक्षद्वीप पुदुचेरी ये भी है, ये भी है, लेकिन त्रिपुरा क्या है? यह एक राज्य है, 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसे शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो जो गलत है वही सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? जी हाँ मेरे प्यारे, जो भी इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, क्योंकि ऐसे ही रेस बनाए रहिएगा और आराम तब करिएगा जब तक आपको नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, त्रिपुरा की राजधानी बताते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संघ शासित प्रदेश के दैनिक जो प्रशासक होते हैं
निम्नलिखित में से किसकी देखरेख की जाती है, किसके द्वारा? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे इसका जो अनुच्छेद 239 में इसका वर्णन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 239 में इस तथ्य का, इस बात का वर्णन किया गया है कि संघ शासित क्षेत्र में दैनिक प्रशासन हेतु भारतीय संविधान के अनुसार कौन कौन? राष्ट्रपति न, पहला कौन? राष्ट्रपति के देखरेख में प्रशासक या उपराज्यपाल, इनकी देखरेख में या तो प्रशासक होता है या उप राज्यपाल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रशासक या उपराज्यपाल, यहां पे क्या है? उपराज्यपाल है। ठीक, इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बी होगा, राष्ट्रपति के देखरेख में। ठीक है, समझ में आएगा सब लोग को? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, टेलीग्राम में नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए यार, लोगों तक तो पहुंचा दीजिए, इतना तो कर सकते हैं, इतना तो आप लोग काम कर सकते हैं ना। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का प्रावधान किसके हाथ में है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, सभी साथी फटाफट कमेंट करें और बताएं राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, अध्यापिका बनना चाह रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, गलत या सही जवाब जरूर देंगे। देखिए, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 155। ये प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका अगर कार्यकाल पूछ दिया जाए, राज्यपाल का अगर कार्यकाल प्रसाद पर्यंत दिया जाए, तो आप प्रसाद पर्यंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत लगाएंगे, तब यहां पे 5 वर्ष नहीं होगा। अगर विकल्प में यह नहीं दिया है तब आपको 5 वर्ष लगाना होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप सभी को। और मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर इसी तरह अपना रेस्ट बनाए रहेंगे, यकीनन आप सफलता के दहलीज पर लगे पहुंचेंगे। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन कराता है? बहुत ही आसान प्रश्न, एकदम हलुआ प्रश्न है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, राज्यपाल या गवर्नर को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, विद्या माइक कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ठीक है, डरिएगा मत, पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग अच्छे लोग हैं। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी करनी है, मेहनत करनी है। तो हमने यहां पे देखा, आपने यहां पे देखा कि उत्तर राष्ट्रपति क्या करता है, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर, सलाह पर क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 155। लेकिन इसको शपथ दिलाने का काम शपथ या प्रतिज्ञा, या तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति को उसके क्या करेगा? जी हाँ, राष्ट्रपति से शपथ दिलाने का, मतलब सॉरी, उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब। ठीक है, ठीक है, अच्छा, विद्यामय कसम नहीं दिया करेंगे। ठीक है, चलिए आगे अच्छे से पढ़ते रहिए। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है?
देखिए, अगर पाल की न्यूनतम आयु, क्या पूछता? न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु तो पता है क्या है? 35 वर्ष होती है। क्या 35 वर्ष? ठीक है, वह भारत का नागरिक हो कहाँ पे दिया गया? 157 में, अनुच्छेद 157। वह भारत का नागरिक हो, पागल है, दिवाली ना किसी लाभ के पद पर ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लेकिन इसका जो कार्यकाल होता है यह कार्यकाल 156 में दिया गया है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल दिया गया है। राज्यपाल की जो पदावधि होगी वो 5 वर्ष की होगी उसके शपथ ग्रहण तिथि से, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसे राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त है। अगर यहाँ पर कोई विकल्प ये होता कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अगर यहाँ पे होता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो हम यहाँ पर ये उत्तर गलत करके इस उत्तर को सही करते, लेकिन यहाँ पर यह विकल्प में नहीं दिया था इसलिए हम यहाँ पर 5 वर्ष का चयन करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को जो मैं कहना चाह रहा था, यदि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी विकल्प में दिया है और 5 वर्ष दिया है, उस दशा में हमें क्या करना होगा? इस विकल्प का चयन करना होगा। मेरी बात समझिए, परीक्षा में गलती मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको एक बात और रखना, याद रखना होगा कि राष्ट्रपति, एक राज्यपाल कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? एक राज्यपाल कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? सभी साथी कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, गलत या सही। इसलिए यहां विकल्प आधार पर हम ए का चयन करेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग ऐसे ही लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बहुत ही अच्छा लगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी मित्र जो लोग भी हैं वे सभी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी साथियों को शेयर करें, दो या दो से अधिक राज्यों को, माने जितने भी राज्य का चाहे तो बन सकता है, क्योंकि अधिकतम राज्य की सीमा नहीं दी गई है। इसलिए कोई भी राज्यपाल दो या दो से अधिक जितने भी राज्य का चाहे राष्ट्रपति तो राज्यपाल बना सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है करके जवाब दें। आप लोग शेयर नहीं करें, संख्या कम है, तो मैं आज लंबी क्लास नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग शायद पढ़ने की इच्छुक नहीं है क्या, बताइए। ठीक है यार, लाइक करिए, जितने लोग लाइव रहते उतने लोग भी लाइक नहीं करते, पैसा नहीं करता। देखिए, पर राज्यपाल की अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति की बात की जाए, विधायी, तो अध्यादेश जारी करना, पता है अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213। लेकिन अगर 123 हो जाएगा, अगर अनुच्छेद 123 हो जाता, 123 तो भी अध्यादेश होता, ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश होता, किंतु कौन? राष्ट्रपति। लेकिन 213 हो गया तब तो भी अध्यादेश होगा, लेकिन तब कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। ये दोनों शक्तियां सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है। तो दोनों आपको समझ में आ गया, 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, लेकिन दूसरा अनुच्छेद 123 अध्यादेश जो है वो राज्यपाल। ध्यान समझ में आ गया आप लोग को? यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ये दोनों याद रखिएगा, एक ठोस में से परीक्षा में पूछा जाता है। एक क्या है? 213 राज्यपाल की बात करेगा, अध्यादेश की बात करेगा तो 213, अगर 123 कह देगा तो राष्ट्रपति। एकदम रट्टा मार दीजिए, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में क्लियर है। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, गवर्नर जनरल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा? गवर्नर, गवर्नर समझते हैं, गवर्नर द्वारा, गवर्नर को हम राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। ऐसा प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आएगा तो कैसे आपको उत्तर देना है, कोई भी गलती नहीं करना है।
सभी साथी फटाफट कमेंट करें जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, जहां भी आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट करके जवाब देंगे, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन लेना है, आप लोग को लगातार मेहनत करनी है, नौकरी लेनी है, बस ऐसे ही अपना बेहतर देते रहिएगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। देखिए ज्यादातर लोग इसका उत्तर ए बता रहे हैं। देखिए यहां पे इसका उत्तर ये विधानसभा होगा और विधानमंडल। तो विधानमंडल में दो चीजें होती हैं, एक होती है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। तो इनको मिलाकर हम विधानमंडल कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। सोचिए कितने लोगों ने यहां पे गलती की, लेकिन यह गलती आपको परीक्षा हाल में नहीं करना है, क्योंकि यह विविध के लिए ऐतिहासिक क्लास आपके लिए है, और ये भविष्य में ऐसी गलती ना करिएगा। गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, जो अध्यादेश है वह अनुच्छेद 213 के द्वारा। यदि किसी भी मामले में तुरंत कार्रवाई चाहता है तो राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी कर देता है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु गवर्नर द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश कितने दिनों तक मान्य है? ठीक है, कितने दिनों तक, ये बताइए, 6 माह या 6 सप्ताह? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इस प्रश्न में गलती कर देंगे। अनु जी ने गलती किया, जो लगातार लेनीबी दुर्गेश की क्लास को पढ़ते हैं, कोई भी क्लास ही मिस नहीं करते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा आपने एक गलती की थी, जिसकी वजह से मुझे ये भी टॉपिक समझाना पड़ा आपको। 6 माह नहीं होगा, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल द्वारा उसे अध्यादेश को पारित होना जरूरी है, अन्यथा वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां पे विधानसभा के द्वारा ही अध्यादेश का अनुमोदन किया जाना जरूरी है। कितने द्वारा? 6 सप्ताह के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, 6 सप्ताह। अनुप जी, मैं चाहूंगा कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश के, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप परीक्षा हाल में ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इस तरह अपना बेस्ट देते रहिएगा। 6 सप्ताह अध्यादेश यदि विधानमंडल में, जहां विधानमंडल है मैंने विधान परिषद या विधानसभा, अगर अनुमोदित नहीं होता है तो अध्यादेश स्वयं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो आते हैं उनकी गलतियों की मैं सबको बताऊंगा ना। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, जो जो भी रेगुलर रहते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ही लोगों की वजह से क्लास चल पाती है, क्योंकि आप ही लोग ऐसे हैं कि आप लोग प्रतिदिन लाइव आते हैं और मैं आपको पढ़ाने के लिए लाइव आ जाता हूं, बाकी कुछ आए नए आए। ध्यान दीजिएगा, राज्य राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। राज्य जो होता है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 156 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 156 में इसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कृत्यों का निर्वहन करता है, इसलिए वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। यह मैंने ऊपर बताया, मुख्यमंत्री जी गलत है। प्रधानमंत्री के सलाह पर, ये सलाह पर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पदों पर बना रहता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर, जी जितने लोग वीडियो को डेली लाइव आके 9:30 बजे जितनी भी क्लास चलती है लाइव देखते, उनको पहले तो सबको धन्यवाद, उसके अलावा उनको भी धन्यवाद जो नए स्टूडेंट आए हैं, जिस जिले से आ रहे हैं जिले का नाम बताते चलिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है कमेंट करके बताइएगा। जी एकता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आएगा कभी गलती मत करिएगा। जी हाँ, मेरे देश के प्यारे अध्यापक अध्यापिकाओं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। अरे विनोद जी, आप भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप हैं कल्पना है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बताइए कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इसको पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रदान नहीं करता? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अरे वीडियो को शेयर कर दीजिए मालिक, जो लोग भी आ रहे हैं।
चाहे आप जहां से, लखनऊ से। जी थैंक यू आपका। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, शेयर कर दें यार लोगों को। चलिए देखिए, पदच्युत करने की भारतीय संविधान में कोई विधि नहीं है, कोई कानून नहीं है, वह क्या है? अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को संसद में महाभियोग, इसके ऊपर क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 61, इसका मतलब यह तो नहीं होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा संसद द्वारा विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा बहुमत द्वारा हटाया जाता है, परंतु राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के लिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन पदच्युत करने की कोई भी विधि संविधान में नहीं दी गई है। इस प्रकार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण कर सकता है। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अगर परीक्षा हाल में आएंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो कभी गलती आपसे नहीं होगा, क्योंकि यह क्लास सिलेक्शन वाली है, यह क्लास आपको नौकरी दिलाने के लिए आती है। 9:30 बजे एकदम अलार्म लगा लीजिए, सरकारी शिक्षक बनना है अगर आपको, निशुल्क क्लास 9:30 बजे लेनी भी दुर्गेश पाजे गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में मैं आपको पढ़ाता हूं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इनको हटाने के लिए राज्यसभा में, इनको हटाने के लिए संसद में, लेकिन इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, और जो गलत है वही सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। चलिए मैं आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का भी कानून बनता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए इन सूचियों की बात करें तो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, जो अनुसूची, अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कैसा होता है? जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि किसी भी दशा में दोनों कानूनों के बीच टकराव होता है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को माना जाता है। आइए राज्य द्वारा पारित समवर्ती सूची के लिए कानून किस प्रकार केंद्र का कानून बनता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसे केंद्रीय कानून बनाने पहले पारित होना चाहिए, यदि इसे विधानसभा को पूर्ण बहुमत से पास किया जा चुका हो, यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना निर्णय इसके पक्ष में दे, केंद्रीय कानून बनने के लिए जाने से पहले यदि विधानसभा पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल जाए, तब इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी होगा। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ठीक है, देखिएगा शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को आंशिक रूप से मानते हुए संघ और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषयों में सूची बनाकर, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य पे राज्य सूची कानून बनाती है, लेकिन समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन इसमें केंद्र राज्य पर प्रभावी रहता है। इस स्थिति में समवर्ती सूची के विषय में कानून के लिए जाने से पहले विधानसभा से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, तो केंद्र का भी कानून होगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो आपको लगाना है वो आपको डी लगाना है। डी प्रश्न का सही जवाब होगा, डी राइट आंसर होगा। समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक छोटा सा मैं प्रश्न पूछूंगा, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जी हां प्यारे साथियों, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे। रेलवे पुलिस, अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? राज्य के राज्यपाल कह दे या राष्ट्रपति कह दे, तो इसका उत्तर क्या होगा? सेम प्रश्न रहेगा, बताइए। चलिए मैं एक प्रश्न पूछा था, देखिए रेलवे जो है यह संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस,
रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। यह बात याद रखिएगा। देखिए यहां पर एक बार लीजिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए बहुत ही मजेदार प्रश्न है और मुझे देखना है कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु का प्रावधान है कितना, 35 वर्ष। लेकिन अधिकतम आयु का, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं, चाहे वो 65 साल के हो, 95 साल के हो, ये भी गलत, ये भी अलग, ये भी अलग, चाहे वो 120 साल के हो, वो लड़ सकते हैं चुनाव, ठीक है। वो क्या होता है, 120 साल के हों, 150 साल के हों, 500 साल के हों, वह मृत्युशैया पर लेटे हों, उनकी सांस केवल चल रही हो, वह अंतिम रूप से राज्यपाल सकते हैं। ये नौकरी करने वालों के लिए है, लेकिन नेताओं के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, उनकी अधिकतम उम्र का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के सभी साथियों ध्यान दीजिएगा, भविष्य में गलती मत करिएगा, क्योंकि नेताओं के लिए नहीं है, आपको सरकारी शिक्षक बनना है, आपके लिए न्यूनतम उम्र 60 वर्ष है, अधिकतम उम्र 60 वर्ष है, लेकिन नेताओं के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री पूछ दे, मंत्री पूछ दे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनकी अधिकतम उम्र नहीं है। 95 साल के लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और आपका उद्देश्य वीडियो को लाइक शेयर करना, नोट्स बनाते रहिएगा। बुड्ढा हो जाए, मृत्युशैया पे लेटे हो, वो चुनाव लड़ सकता है, समझ में आ गया सबको। जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताइए फटाफट कमेंट करके। सबको समझ में आ गया, जितनों कमेंट आया वाई, जिनको नहीं आया यन, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक प्रश्न आया है कि भैया, जी हां देखिए, सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति पूछा गया है तो नीलम संजीव रेड्डी है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक, सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति, एक प्रश्न आया था कि सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना, तो नीलम संजीव रेड्डी, और ये एकमात्र ऐसे हैं निर्विरोध, ये निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं, ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं, यह सीटू जी ने पूछा था। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ऐसे आप लोग जुड़े रहिएगा, समझ में आया टीटू जी, क्लियर हुआ आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राज्य की विधायिका बनती है, सभी साथी फटाफट कॉमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स, टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि किसी के विषय में जानने के लिए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क चलती है, सभी क्लासे टेट, सीटेट, सुपर टेट की, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। बताइए भारत में राज्य की विधायिका कैसे बनती है, भारत में राज्य की विधायिका कैसे बनती है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे संसद पढ़ाया था, मैंने यहाँ पे संसद पढ़ाया हुआ था जब, तभी मैंने एक बात बता दी थी, जैसे यहाँ पे क्या हो गया संसद, संसद में क्या क्या होता है, ऊपर होता है राष्ट्रपति, यहाँ होता है लोकसभा, यहाँ होता है राज्यसभा, क्लियर। लेकिन अगर यहां पर हम राज्य की विधायिका, यहां पर विधानसभा होता है, ठीक, यहां पर विधान परिषद होता है, ठीक, जहां पे विधान परिषद नहीं होता वहां पे केवल यही होता है, समझ में आया।
समझ में आ रहा सभी को? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे सभी लोग समझ में आ गया? जो नोट्स बनाते हैं वो अपना नोट्स मुझे सेंड कर दिया करे भैया, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर नाम पता लिखकर अपना ये अपना नोट्स मेरे व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया करे। ठीक है, अभी तक किसी लोगों ने बेहतर तरीके से फोटो क्लिक करके नोट्स नहीं भेजा अपना। चलिए, यहां पर गवर्नर का मतलब जो होता है राज्यपाल, गवर्नर कहते हैं, राजा कहते करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। माने सी वाले ने जितने लोगों ने इसका उत्तर सी दिया उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। समझ में आ रहा आप लोग को? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए भैया, आप लोग की संख्या बढ़ेगी कैसी रहेगी? यार आप लोग कमेंट करके बताइए, इतनी मेहनत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आपकी संख्या बढ़ेगी? 1000 10000 के पार लाइव होगी कभी? चलिए हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सबको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, जिनको समझ में आ गया स्क्रीनशॉट क्लिक करते चलें, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? द्विसदनात्मक विधायिका, इसमें होता है विधानसभा। अस्थाई होता है। दूसरा होता है विधान परिषद। ये होता है, ये कुछ ही राज्यों में है। ठीक है, ठीक, अरे युगांग जी परेशान ना हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखिए, यहां पे कौन सा राज्य है जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अगर देखा जाए कि एक बात आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 169 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 169, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर विश्वास है तो इसको रखिएगा। इसमें राज्यों की विधान परिषद के सृजन और समाप्ति का प्रावधान है। क्या है? के विधान परिषद, विधान परिषद के सृजन, व समाप्ति, वो क्या है? समाप्ति का प्रावधान है, का प्रावधान है। ये कहाँ दिया गया है? ये संविधान के अनुच्छेद 169 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ये प्रश्न रट लीजिए, हो सकता है प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 राज्य में है। कितने राज्यों में? 6, अभी तो बढ़ गया है, 6 राज्यों में पहले था। पहले कितने राज्यों में था? पहला किस में था यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहार में 1, कर्नाटक 2, महाराष्ट्र 3, उत्तर प्रदेश 4, पांचवा अगर हम लोग देखें कि पांचवा कौन सा था तो पता है आपको? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। छठा क्या था? तेलंगाना। सातवां क्या था? जम्मू, लेकिन अब खत्म हो गया। सातवां क्या था? जम्मू। यहां पे सातवां क्या था? जम्मू, जो खत्म हो गया। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगर हम इसे मैप में देखें कि सर इसे मैप में दिखा के बताइए, तो आइए हम आपको मैप में दिखा देते हैं। लेकिन बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचाना चाहिए। आपको क्या लगता है, पहुंचाना चाहिए? नहीं माना, ये भारत है। मैंने बहुत अच्छा तो नहीं बताया? हाँ, लेकिन देखिए पहले जम्मू कश्मीर में था, अब नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ है। एक है, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। पहला कहाँ पर है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश। दूसरा तेलंगाना, 2 हो गया। तीसरा यहाँ पे कर्नाटक। चौथा कहाँ है पे? महाराष्ट्र, ये हो गया। पांचवा यहाँ पे बिहार। छठा आपका उत्तर प्रदेश, ये 6 हो गए। जो सातवां था वो हटा दिया गया, तो ये विधानसभा हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि
मैप में अगर आपको देख लेंगे आपके दिमाग में पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत, कोई समस्या? क्योंकि जम्मू कश्मीर में नहीं रहा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें, चाहे तो वीडियो को शेयर करें, चाहे वीडियो को लाइक करें, आपकी जिम्मेदारी। कभी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बस मैं ये जानता हूं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एकदम आसान प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यहां पे देखिए कई चीजें आपको याद रखनी है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार जरूर बताइएगा। सभी देख फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए सरजी नायडू ये राज्यपाल थी, ये राज्यपाल थी। ठीक, विजयलक्ष्मी पंडित जो थी ये इन्होंने क्या, ये राष्ट्रसंघ UNO की प्रतिनिधि थी, की प्रतिनिधि थी पहली, ये भी पहली UNO की महिला प्रतिनिधि थी। नंदिनी सत्यपति उड़ीसा की मुख्यमंत्री बनी, ये क्या बनी, ओडिशा की, ओडिशा की सीएम है, मुख्यमंत्री है। ठीक, तो यहां पर जो आपका प्रश्न है वो होगा सुजाता कृपलानी, ये यूपी की पहली और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। समझ में आया सबको? ये भारत राज्य की पहली महिला और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। कि नागालैंड कब बना? ठीक, जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, नागालैंड कब बना? बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग। माना ये भारत है। देखिए नागालैंड की बात कीजिए, गया अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे जो है वो नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी क्या होगी कमेंट करके बताइएगा। देखिए नागालैंड जो था वो 13वां संविधान संशोधन, कौन सा, 13वां संविधान संशोधन, कौन सा अधिनियम, 1962। नागालैंड को राज्य की श्रेणी में रखकर संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया। तो संविधान के 371 का जोड़कर नागालैंड के विषय में विशेष प्रावधान किया गया। नागालैंड 1963 में भारत का 16वां राज्य बना। क्लियर, कौन था राज्य, 16वां राज्य 63 में बना। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो क्लास को छोड़ दीजिएगा। पूरे YouTube की बात करो, अगर इतना व्याख्या करके कोई पढ़ा दे तो चैनल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 16वां राज्य भारत का था यार। राज्य की संख्या इतनी कम है, आपको पता नहीं क्यों आप लोग इतना कम है, इससे बेहतर है कहीं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप लोग कल संख्या बढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो एक दो दिन की हम छुट्टी लेना चाहेंगे। ठीक, अगर आप लोग संख्या बल नहीं बढ़ाएंगे, टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। अगर आपने मदद नहीं की, लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो हम भी रेस्ट पे रहेंगे। दुर्गेश सर टेलीग्राम पर रहिएगा, क्लास की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो। अन्य क्लास के लिए आप इस नंबर पर
क्लास नोट्स वीडियो जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। इलानी बद्रगेश के ऑफिस का नंबर है और ये क्लास पूरी तरह से फ्री चलती है। देखिए, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? एक प्रश्न आपको यही तैयार हो गया कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, आप बताइए किस वर्ष में बना। देखिए, यहाँ पर आपको दो तीन की पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन कब आता है? 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा मिलता है। किसका? सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा मिलता है, संयुक्त राज्य का दर्जा मिलता है। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य कौन था? 22वां राज्य। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक, समझ में आप लोग को? हाँ, तरुण जी ने बताया 42वां 44वां 61वां 73वां ये सब महत्वपूर्ण है। 73वां के बाद 74वां भी ना, दोनों महत्वपूर्ण है। तब बताइए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर उपयुक्त विकल्प क्या होगा? समझ में सबको आ गया? किसी कोई दिक्कत कोई समस्या? आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, भारत का राज्य बना कब? छत्तीसगढ़ भारत का कब राज्य बना बताइए फटाफट कमेंट करके। छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कब बना फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं छत्तीसगढ़ भारत का राज्य कब बना। देखिए, यहां पे इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को जानना होगा, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, यहां पे थोड़ा और दे, नवंबर 2000 नवंबर 2000 में देखा जाए तो 26वां बना, क्या बना पता है आपको? छत्तीसगढ़। फिर 9 नवंबर को ये कई तारीख को बना यार, ये तो लिखा ही नहीं हमने, ये है 1 नवंबर को, ये कितने था? 1 नवंबर को। दूसरा बनता है आगे चलकर 9 नवंबर को। ठीक, 9 नवंबर को 26 के बाद 27वां, ये कौन सा है बताइए? उत्तराखंड। ये 9 नवंबर को, ये 1 नवंबर, ये 9 नवंबर। अगला आगे चलकर बनता है 15 नवंबर, ये भारत का 26, 27, 28वां झारखंड। ठीक है, आइए मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसे लिखता हूं, 1 नवंबर 2000 को क्या बना? छत्तीसगढ़ कौन था? 26वां राज्य। ठीक, फिर 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड कौन था? 26 के बाद 27वां, क्लियर। फिर 15 नवंबर को सन 2000 क्या बना? झारखंड, ये कौन सा था? 28वां। फिर 2 जून 2014 तेलंगाना क्या बना? तेलंगाना, ये कौन सा था? 29वां। अब यहां पे देखिएगा,
ये टूटे किससे? छत्तीसगढ़ एमपी से टूटा, उत्तराखंड यूपी से, झारखंड बिहार से, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, ये इनसे टूटकर अलग होते हैं। लेकिन फिर आगे चलकर 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर ये राज्य को तोड़ दिया गया। राज्य को क्या किया गया? तोड़ दिया गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? एक प्रश्न है, यूपी राज्य कब बना? यूपी भारतीय संविधान जब बना तब यूपी था। तो जरा एक लोग सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे थे, देखिए भारत के नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, ये सभी संसद को प्राप्त है। ये सभी किसको प्राप्त हैं? संसद को प्राप्त हैं। तो जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, 26वां हो गया, 27वां, 28वां, 25वां, सब हमने आपको बता दिया। समझ में आया? मैं एक प्रश्न अगर आप पढ़ लें, इससे आने वाला कोई भी प्रश्न भविष्य में कभी गलत ना होने पाए। बस मेरा एक ही टाइम, अभी पढ़ेंगे यार, अभी आधे घंटे और पढ़ना है। आप लोग भाग रहे हैं क्या? अभी आधे घंटे क्लास और चलेगी। जी हाँ, भले आप शेयर मत करिए, लोगों तक मत पहुँचाइए, लेकिन हम आपको अपना बेस्ट देंगे। मैं कभी भी आपके साथ कोई ऐसा नहीं करूँगा, आप सिलेक्शन रुके, आपका सिलेक्शन होना है तो होना है, बस। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें सभी साथी। क्या तो मैं मैप में भी दिखा दूँ? लेकिन मैं मैप में दिखा दूँ कि रहने दो, चलिए मैं अपने आगे दिखा देता हूं। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी उर्दू को दूसरी राजभाषा मिला है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, पंजाबी में और उर्दू को। देखिए यहां पर दिल्ली की प्रथम भाषा क्या है? हिंदी। लेकिन अगर द्वितीय की बात की जाए, द्वितीय की, तो पंजाबी व उर्दू है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा क्या है? कमेंट करके बताइएगा। समझ में आया आप लोग को? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या? संख्या बढ़ने की जगह कम हो रही है, पढ़ाने में कोई कमी है क्या? ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश की 1999 से यूपी की, पहले हिंदी थी, पहली ना, लेकिन पहले हिंदी थी, लेकिन दूसरी क्या होती है? उर्दू। ठीक, अगला प्रश्न, किस राज्य विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ये मैंने ऊपर पढ़ाया है, किसी भी राज्य में कम से कम कितने विधानसभा के सदस्य होने चाहिए? ठीक है, ये अनुच्छेद कितना है पता है? अनुच्छेद 170, कम से कम अधिकतम। ठीक, तो कमेंट करके बताइएगा, कम से कम क्या होगा, अधिकतम क्या होगा? देखिए अगर कम से कम की बात की जाए तो 60 सदस्य, अधिकतम की बात की जाए तो 500 सदस्य। ठीक, अगर कम से कम की बात की जाए तो 60 सदस्य, अधिकतम की बात की जाए तो विधानसभा में बात हो रही है। समझ में आ रहा सबको? समझ में आया सबको? दिक्कत हुआ या कोई समस्या? नहीं। देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा मैप ड्रा करना चाह रहा हूं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा जल्दी में बना है। यहाँ पे ध्यान से देने योग्य बात है जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, कि गोवा, यहाँ पे गोवा है, ठीक है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनमें 40 40 सदस्य, कितने? इन तीनों में, यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ मैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पर कितने हैं? 40 40 40। लेकिन ये दिख रहा है, ये छोटा सा, ये
ये सिक्किम है, ये क्या सिक्किम है, यहां पे कितने हैं, 32 है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ए होगा। समझ में आ गया? यहां तक जरा जो कमेंट करें, जरा कमेंट करके बताएं क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पढ़ाने में कोई कमी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, भले आप मत शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। अगर आपको लगता है इससे बेहतर कोई पढ़ाता है तो मत शेयर करिएगा उनकी, क्योंकि आपकी जीवन से बढ़कर ये क्लास नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन तक ले चलना है। और प्रतिदिन जल्दी संविधान खत्म, 2 दिन के बाद संविधान खत्म हो जाएगा, फिर हम नए विषय की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब कितनी मेहनत करेंगे। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। इससे डीप में अगर कोई पढ़ा दे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। ये जौनपुर जनपद से क्लास चल रही है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर इससे बेहतर कहीं हो मिले तो भी बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी साथी फटाफट बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? तो यहां पर होगा ग्राम सेवक। क्या होगा? ग्राम सेवक। ठीक है, मैं यहां पे ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, इसलिए उत्तर होगा एक, इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्राम सेवक। क्या होगा? ग्राम सेवक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कहां पे दिया गया है? अनुच्छेद 243। ठीक, ये कहां से कहां तक है? पंचायत क से अड़ तक। ठीक है, चलिए विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है बताइए सभी लोग। विधानसभा लोकसभा विधान परिषद राज्यसभा। अब आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है विधानसभा 30 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, विधानसभा सदस्य बनना है 25 वर्ष, लोकसभा का बनना है 25 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं। ठीक, अब 18 वर्ष मतदाता और लड़कियों की विवाह की उम्र। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इस प्रश्न का उत्तर आप किसी भी गलती नहीं होगी जीवन में कभी। अगर ऐसा कोई है जिसको लग रहा हो कि नहीं नहीं यहां से उसके प्रश्न गलत हो सकते हैं, तो जरा कमेंट करके बताएं। किसी गलत नहीं हुआ ना, 30 वर्ष राइट आंसर हो गया आपका, 30 वर्ष। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है मेरे मालिक, देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं? चलिए जी हाँ, 30 वर्ष इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्य हैं? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके, बहुत अच्छा भारत तो नहीं बना है, लेकिन हाँ काम चलो मैंने भारत बना दिया है, ताकि आपको अध्ययन अध्यापन में कोई भी दिक्कत ना आए। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरूर फटाफट कमेंट करके बताएंगे, मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। हो सकता है मैप बनाने में कोई कमी हो जाए, माना ये भारत है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। बस आप लोग अपना बेस्ट देते रहिए। सभी लोग कमेंट जरूर करें, भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कितने राज्य हैं? केंद्र शासित 8 हैं, राज्य 28 है। ठीक, चलिए थैंक यू आपका। देखिए यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, पहले 29 राज्य थे लेकिन अब 28 राज्य हो गए। कैसे? 5 अगस्त 2019 से जम्मू
एंड कश्मीर ये राज्य के दर्जा से हट गया। ठीक, पहले कितने थे? 29 -1 -28। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पहले 7 थे, 2 बढ़ गए 1 माइनस, दमन दीव और दादर नगर हवेली और उसकी राजधानी दमन हो गई। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया। क्लियर सबको? किसी को डाउट? हम आगे बढ़ेंगे। इससे बेहतर अगर आपको कोई क्लास लगे, क्योंकि मैंने पूरा मैप पे आपको ड्रा किया कि जो कश्मीर है ये भारत का राज्य नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये दो केंद्र प्रदेश हो गए। ये हो गया जे एंड के हो गया, यहाँ क्या हो गया, ताक, दो केंद्र प्रदेश बन गया। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, मेरा उद्देश्य आपको नौकरी तक लेकर चलना है, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। अपना अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया। विधानसभा के दो सत्रों के बीच का कितना अंतराल हो, चाहे आप विधानसभा पूछ दें चाहे संसद पूछ दें। सदनों, सभी सभी फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्षमा होगा। क्या होगा? क्षमा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी मैं आपके तथ्यों को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। ठीक है, ये संविधान का अनुच्छेद 174 में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के 174 में दिया गया है, विधानसभा के एक सत्र की बैठक के बाद दूसरे सत्र की जो बैठक होगी उसमें 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। अतः यहाँ पर 1 साल में कम से कम 2 बैठक जरूर होनी चाहिए, 2 बैठक 1 साल में, 1 साल में कम से कम 2 बैठक अनिवार्य है, न्यूनतम बैठक 2 होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे थे एक बार की वो कमेंट करके जरूर जवाब देंगे, सभी साथी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। ठीक, बताइए। देखिए अगर असम विधानसभा, क्योंकि आपने नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, यहां पर 126 सदस्य हैं। कितने हैं? 126 सदस्य हैं। अगला, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है, कमेंट करके जरूर बताना है आप लोग को, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए 330 और अनुच्छेद 332, सभी लोग बताइए। देखिए यहां पर एक ही अंतर आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ही है कि लोकसभा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान, अगर राज्य की विधानसभा कह देता, अगर यह बात कहता तब यह होता अनुच्छेद 232, 332 सॉरी 332, और ऊपर जो कहा है यह है अनुच्छेद 330। तो आपको समझ में आ गया 332 पे क्या है और 330 पे क्या है? क्लियर हुआ? जो लोग लाइव देख रहे हैं बार जरा कमेंट करके बताएं, क्या क्लियर हुआ आपका? सभी लोग क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा जल्दी किया जाए ना। चलिए, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए जो भी वीडियो में लाइव है चाहे जिस जिले से हैं, सभी लोग टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे बिना स्पेस के दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। सभी क्लासेज आपको शाम को फ्री मिलती हैं, लेकिन 9:30 बजे सीटेट माने यस्टेट माने सुपर टेट की महामैराथन क्लास चलती है, जिसमें सभी विषयों का एक एक दिन में एक एक टॉपिक में खत्म करता हूँ। जैसे आज हम लोग राज्य से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया,
लेकिन यदि ऑनलाइन संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्लास या नोट्स आदि के विषय में कोई जानकारी चाहिए, तो जौनपुर जनपद का ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास मेरी तरह से पूरी तरह से निःशुल्क चलती है। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना है कि आप लोग की संख्या अगर बेहतर रहेगी तो हम इसमें सीरीज को कुछ और बढ़ाएंगे शिक्षक भर्ती की, लेकिन अगर आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे तब, क्योंकि मेरा उद्देश्य उन लोगों तक होना चाहिए। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, एडवोकेट जनरल, ये होगा एडवोकेट जनरल, ये संविधान का जो अनुच्छेद 165 में है, अनुच्छेद 165 में है। तो आइए यहाँ पे हम कुछ तथ्यों पर आपसे चर्चा करते हैं और कुछ ओरली हम लोग बात करते हैं। भारत के राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, राज्य का राज्यपाल करता है। भारत के किसी राज्य के लिए जो वित्त आयोग का गठन, राज्य का राज्यपाल करता है। भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपाल पे क्षमादान की शक्ति होती है। जैसे क्षमादान अगर पूछा जाए, क्षमादान, जैसे मैं यहाँ थोड़ी चीजें आपको ओरली बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे क्षमादान, क्षमादान अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति कर सकता है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राज्यपाल को भी दी गई हैं। किसको? राज्यपाल को भी दी गई है। ठीक है, राज्य का जो सभा का सदस्य बने बिना कि कोई व्यक्ति, जैसे राज्य का कोई भी सदस्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता, अगर कोई मंत्री है तो 6 मास अधिक समय तक मंत्री नहीं रह सकता। ठीक, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 साल है, उसके पहले भी सॉरी विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष है, उससे पहले भी भंग हो सकती है। राज्य की जो प्रशासनिक शक्ति होती है वो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। भारत में राज्य के विधानमंडल का ऊपरी या उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। संसद के किसी सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं, संसद में उसकी सीट रिक्त मान ली जाती है। राज्यपाल अध्यादेश विधानसभा में अनुमोदित करने के लिए 6 सप्ताह का समय मिलता है, उसके पहले नहीं हुआ तो वो अपने आप लैप्स हो जाता है। 6 सप्ताह याद रखिएगा। अध्यादेश 213 है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल चलाता है और उपराज्यपाल या राज्यपाल को शपथ ग्रहण, ठीक है, हाँ, 1995 से बंबई को मुंबई कहा जाने लगा। क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को? महाराष्ट्र का गठन 1960 में 1 मई को हुआ था भैया, और कोई? देखिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके आपको जवाब देना चाहिए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, एक प्रश्न आता है, भारत में सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल। ज्योति बसु सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताइए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं जरा बताइएगा? यूपी में राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य कितने हैं कमेंट करके बताइएगा? उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्य कितने हैं कमेंट करके बताइएगा? बिहार विधानसभा में 243 है, कुछ लोग पूछ रहे हैं बिहार, बिहार में 243 है। देखिए, जब भारत राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राज्य का कोई भी बिल धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और कोई सवाल? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, राज्यसभा का अगर पूछा जाए और लोकसभा का, तो बताइए यहां पर ये 80 होगा और राज्यसभा का 31 हो। विधानसभा का पूछ दिया जाए
403 प्लस एक विधान परिषद का अगर पूछ दिया जाए तो 99 प्लस एक बराबर 100। समझ में आया? स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न आपके आते हैं, वैसे यूपी स्पेशल में भी है। कितने साथी ऐसे हैं जो प्रतिदिन 9:30 बजे लाइव आएंगे और अपने सभी साथियों को ई लर्निंग विद दुर्गेश के निःशुल्क कार्यशाला कक्षा में जोड़ कर रखेंगे, चाहे फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे, जहाँ भी हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग मिलेंगे, अच्छे से तथ्यों को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। आपकी संख्या बहुत ही कम रहती है, आप इसको अपना चैनल मानिए, जैसे मैं अपना मान के पढ़ाता हूँ। आप ये क्लास को अपनी क्लास मानिए और लोगों तक पहुँचाइए, बस इतना ही करना है। ठीक, चलिए एडुकेशन रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे और आगे भी तथ्य को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू। धन विधेयक क्या, इसके लिए पिछले वीडियो जाके देखिएगा जहां पे मैंने संसद पढ़ाया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ईश्वर करे अगले शिक्षक भर्ती में आपका एक पद फिक्स हो। ऑनलाइन समझ कर सकते हैं, जौनपुर जनपद के सभी साथियों को बताइएगा कि जौनपुर जनपद से चलती है। चलते हैं, बाय बाय।